और जब कानून बना था उस समय हम एमपी भी थे, कमेटी के मेंबर थे, उस समय तय हुआ था कम से कम एक तिहाई महिलाओं को मिलेगा। अरे भाई था कम से कम एक तिहाई न था, इसलिए हम यहां पर आए और पहला बार 50% आधा आधा कर दिया। अब उसके बाद कितना असर पड़ा दूसरे जगहों पर। आ कुछ लोग इस बीच में हमसे नाराज हो रहे थे कि अरे भाई आप महिला को कर दिए तो हम लोगों को खाना बनाना पड़ेगा, हाथ जोड़ के कहते थे अरे इससे आपको खाना बनाना पड़ेगा, क्या मतलब है, महिलाओं को आगे बढ़ाइए। अब देखिए कितना आगे बढ़ रहा, आप फिर किस तरह से गरीब गुरबा तबके के बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए हम लोगों ने काम किया, कितना कम पढ़ते थे, और सबके लिए जो उत्थान किया, आज आप देख रहे हैं लड़का लड़की के करीब बराबर हो गई। और लड़की को पढ़ाना तो बहुत जरूरी है ना, प्रजनन दर तो बहुत ना बढ़ा रहता था यहाँ का 4.3, अब बोलिए ये जितना आदमी जितना आबादी का है बिहार का, ये देश में सबसे ज्यादा, कम इलाके में ही इतना ज्यादा, तो वो सब करते हुए जो कर रहे हैं, जो पूरे देश के बारे में तय हुआ कि अगर पति पत्नी में पत्नी महिला है तो प्रजनन दर 2, तो हमने बिहार में भी कराया तो पति पत्नी में पत्नी भी अगर पास की हुई है मैट्रिक तो हुआ 2, और उसके बाद उसके आगे का किया गया इंटर पास, उसके आगे पास, तो देश भर का निकला 1.7 और बिहार का निकल गया 1.6, कितनी खुशी हुई। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।